नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद वर्तमान वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि सूर्यदेव आपके चौथे भाव यानी कि माता के भाव में परिवार का जो भाव होता है उसके अंदर आके विराजमान हो जाते हैं और जो उनके कुप्रभाव होते हैं यहाँ विराजमान होने से, उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति जिसके चौथे भाव के अंदर सूर्यदेव विराजमान है उसे कभी भी शनि की वस्तुओं का व्यापार नहीं करना है। शनि की वस्तुएं यानी कि लकड़ी या फिर लोहा, इससे संबंधित उसे कोई कार्य नहीं करना है। और वो सुनार का कार्य कर सकता है यानी कि सर्राफ का कार्य कर सकता है, सोने चांदी का कार्य कर सकता है, कपड़े का कार्य कर सकता है, किंतु लोहे और लकड़ी का कार्य उसे कभी भी नहीं करना है। और उसको जहां तक हो अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करना है, जरूरतमंदों की मदद करनी है, और यदि अंधे लोगों को जिनके नेत्र नहीं है उनकी अगर वो सेवा करता है, उनको कुछ चीज दान करता है, कंबल दान करता है या उनके खाने की वस्तुओं की व्यवस्था करता है, उनके रहने की व्यवस्था करता है या उसके लिए कुछ दान देता है, खाना बांटता है, तो ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। आशा करता हूं कि ये सभी जानकारी आपको लाभ प्रदान करेगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार।